गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, अपां आज डिस्कस करांगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज, गामा रेज एंड बीटा रेज। पिछले टॉपिक आपां पढ़िया सीगा कि जदों भी एक रेडियो एक्टिव जिहड़ा सबस्टांस हुंदा है वो डिसइंटीग्रेट करता है, उहदे चों तीन तरह दीआं रेडिएशनस निकलदीआं ने, अल्फा, बीटा एंड गामा। अज आपां उहनां दीआं प्रॉपर्टीज डिस्कस करांगे। जिहड़ा अल्फा हुंदा, अल्फा पार्टिकल, वह हीलियम न्यूक्लीअस हुंदा, हीलियम 2-4। इहदे च दो ही प्रोटोन हुंदे ने ते दो ही न्यूट्रॉन हुंदे ने, ठीक है। तो जदों मान लो ये एक पेरेंट न्यूक्ली आई है एक्स जैड ए, ठीक है। जदों इहदे चों हीलियम पार्टिकल बाहर निकल गया, ठीक है, तो इहदा जिहड़ा अटोमिक नंबर है वह दो घट जाता है, तो जिहड़ा मास नंबर है वह चार घट जाता है, ठीक है। मीनस कि इहदा क्यों हुंदा है, और जिहड़ा एलीमेंट वह भी चेंज हो जाता है, कि मतलब वो एक्स नहीं रहेगा, जो अटोमिक नंबर तो मास नंबर जिहड़ा आ घट गया, वो एलीमेंट चेंज हो गया। ये जिहड़ा हुंदा आपां कैमिकल रिएक्शन तुसीं बैलेंस की होनी है, जिहड़ी इदां दी रिएक्शन हुंदी है, जिहड़ी न्यूक्लियर रिएक्शन हुंदी है, उहनूं बैलेंस करन लई आपां अटोमिक नंबर दोनों पासे सेम होना चाहिए तो मास नंबर। हुण इधर अटोमिक नंबर कितना है, जैड माइनस टू, तो टू इन्हां दोनों नूं प्लस करो तुहाडे कोल जैड आ जाए, ठीक है। उपर आ ए माइनस फोर, इतने फोर आ, इन्हों दोनों प्लस करो, फोर नाल फोर कैंसल, ए आ जाएगा। मतलब दोनों साइड से अटोमिक नंबर मास नंबर कंजर्व होना चाहिए, एंगुल मतलब मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए है, न्यूक्लियर रिएक्शन आप देखते हैं, ठीक है। हुण क्या होया, अल्फा पार्टिकल बाहर निकल आया, ठीक है, और जिदे करके जिहड़ा डॉटर न्यूक्लीअस आ वो जिहड़ा आ पीरियोडिक टेबल दे विच उहदी पोजिशन जिहड़ी आ दो पिछे चल जाती है, जिहड़ी आ सैकंड पीरियोडिक टेबल चो दी पोजिशन जिहड़ी आ बैक चल जाती है, किन्ने नाल, टू नाल। हुण अल्फा पार्टिकल जिहड़ा पॉजिटिवली चार्ज हुंदा, और उहदे ते चार्ज किन्ना होएगा, टू ई, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू एन ई, और इहदे च किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉनस ने, टू। सो इहदे ते चार्ज आएगा टू ई, और ई दी वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इहदा जिहड़ा रेस्ट मास हुंदा आ वह प्रोटोन दे मास दे फोर टाइम्स हुंदा आ, ठीक है। प्रोटोन हुंदा एच वन वन, ठीक है, प्रोटोन किहड़ा हुंदा, एच वन वन नूं प्रोटोन भी बोलदे आ, ठीक है। उहदे चार गुणा इहदा मास हुंदा आ, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज़ फोर टाइम्स मास ऑफ प्रोटोन, ठीक है। तो जदों भी जिहड़े अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं उन्हां दी वेलोसिटी इहदे ते इहदे विच हुंदी है, उहनां दी रेंज आ 1.4 × 10⁻¹⁷ मीटर पर सैकेंड, 2.2 × 10⁻⁷ मतलब बहुत फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। इना दे आर डिफलैक्टड बाय इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड, अगर तुसीं इहनूं मैगनैटिक फील्ड च रख दोगे या इलैक्ट्रिक फील्ड च रख दोगे तो इन्हों का जिहड़ा पाथ है वो चेंज हो जाएगा। नैक्सट, दे कॉज फ्लोरोसेंस इन सम मटीरियल्स लाइक जिंक सल्फाइड एंड बेरियम प्लेटोसाइनाइट, एक कुछ जिहड़े मटीरियल्स ने उन्हां च फ्लोरोसेंस भी जिहड़ी आ प्रोड्यूस कर देंदे ने, ठीक है, जिदा कि जिंक सल्फाइड हो गया, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड हो गया, ठीक है। दे हैव लो पेनीट्रेटिंग पावर, पेनीट्रेटिंग पावर का मतलब हुंदा है, पेनीट्रेट करन का मतलब हुंदा किसी चीज़ के आर पार निकल जाना। जिहड़े अल्फा पार्टिकल्स ने इन्हां दी पेनीट्रेटिंग पावर ज़्यादा नहीं हुंदी, ये ज़्यादा एबजॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, ये पेनीट्रेट नहीं करते, एबजॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये एबजॉर्ब हो जाते हैं, इस करके इन्हां दी आयोनाइजिंग पावर जिहड़ी आ वो हाई हुंदी है। जिहड़ी चीज़ पेनीट्रेट कर जाती है वो आयोनाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वो एबजॉर्ब नहीं हो सकती, तो जिहड़ी पेनीट्रेट नहीं करती वो एबजॉर्ब हो जाती है, तो वो आयोनाइज़ जिहड़ा आ वो ज़्यादा कर देती है, ठीक है। ये फोटोग्राफिक प्लेट नूं भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जदों ये किसी सबस्टांस की सरफेस पर पैंदे ने तो उत्थे हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इहदे करके स्किन बर्नस हो सकते हैं, हार्मफुल ने बॉडी वास्ते, ठीक है। दे आर स्कैटर्ड बाय थिन मटैलिक फॉयल, तुसीं रदरफोर्ड एक्सपैरीमेंट किया, गोल्ड फॉयल नाल अल्फा पार्टिकल स्कैटर किए थे, मतलब कि जिहड़े मटैलिक फॉयल्स हुंदियां ने वह जिहड़े आ उन्हां नूं स्कैटर कर दिया ने, ठीक है। उस तो बाद लास्ट इहदी की है, दे ट्रैवल इन एयर विद इन रेंज ऑफ 3.1 × 7.8 cm, ये जो एयर ट्रैवल करते हैं तो घट्टो घट्ट इन्ने मतलब इन्नी डिस्टेंस तक ये जा सकते हैं 3.1 cm तो एयर दे विच, ठीक है। उस तो बाद है बीटा रेज, बीटा जिहड़ा पार्टिकल आ वो एक फास्ट मूविंग इलैक्ट्रॉन हुंदा आ, इहनूं आपां डिनोट करदे आ ई माइनस वन जीरो, ठीक है। हुण जदों बीटा डीके होएगा फिर की होएगा, देखो पेरेंट निकलिया किन्ना एक्स जैड ए, इहदे चों एक बीटा पार्टिकल निकल गया, ठीक है। तो साढ़े को एक नवा न्यूक्लियाई बनता है, नवा न्यूक्लीअस बनता है, जिहदा अटोमिक नंबर जैड प्लस वन के उपर, ए मास नंबर चेंज नहीं हुंदा, अटोमिक नंबर वन इनक्रीज़ हो जाता है, मतलब पीरियोडिक टेबल चो दी पोजिशन एक अगे चल जाती है। ये एक एंटी न्यूट्रीनो निकलता है, ठीक है। न्यूट्रीनो एक पार्टिकल आ जिदी सिर्फ स्पिन होंगी है,
इस तो इलावा इहदा कोई मास कोई चार्ज इहदे ते नहीं हुंदा। हुण इत्थे वी देखो चार्ज नंबर कंजर्वड है, इहदा ते कोई चार्ज नहीं कोई मास नहीं, ठीक है। हुण स्पिन है सिर्फ इहदी जैड, जैड प्लस वन माइनस वन, माइनस वन माइनस वन कैंसल जैड, जैड मतलब मास अटोमिक नंबर इज कंजर्वड, ए प्लस जीरो ए, सो मास नंबर इज ऑलसो कंजर्वड, ठीक है। सो ये की होएगा कि जो एक बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा ई माइनस वन जीरो, तो जोड़ा पेरेंट न्यूक्ली आई है, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन तो बाद जो डॉटर न्यूक्लीयस बनेगा वह अटोमिक नंबर एक बढ़ जाएगा, मतलब वो पीरियोडिक टेबल च पोजिशन एक अगे चल गई, ठीक है। उस बाद इहदियां प्रॉपर्टीज़, इहदे ते नैगेटिव चार्ज हुंदा है, ते नैगेटिव चार्ज किहदे बराबर हुंदा है, जिन्ना एक इलैक्ट्रॉन ते चार्ज होए क्योंकि इट इज़ अ फास्ट मूविंग इलैक्ट्रॉन, ठीक है। इहदे चार्ज किन्ना होएगा माइनस 1.6 इंटू 10 रिस्ट पर माइनस 19 कूलम। रैसट मार्टिक जिहड़ा रैसट मास है बीटा पार्टिकल का वो इलैक्ट्रॉन के मास के बराबर होएगा 9.1 इंटू 10 रिस्ट पर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है। जदों बीटा पार्टिकल्स एमिट हो जाते हैं तो इन्नी वेलोसिटी नाल एमिट होंगे ने 2.97 इंटू 10 रिस्ट पावर 8 मीटर पर सैकेंड। ये नैगेटिवली चार्ज ने, इस करके इन्हें इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड च रखोगे तो यह अपना पाथ चेंज करनगे, भी फ्लोरोसेंस जिहड़ी आ ओह क्रिएट करदे आ, जिहड़ी आयोनाइजिंग पावर हुंदी है बीटा पार्टिकल्स की, दो बार ऑफ लिखता, ठीक है। आयोनाइजिंग पावर हुंदी है जिहड़ी बीटा पार्टिकल की, वह अल्फा पार्टिकल्स नालों घट हुंदी है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा तो पैनीट्रेशन पावर घट, पर जिहड़े बीटा पार्टिकल्स ने उन्हां दी आयोनाइजिंग पावर जिहड़ी है वह घट हुंदी है, इहदा मतलब यह है कि उन्हां दी पैनीट्रेशन पावर ज़्यादा होएगी, ठीक है, कि उन्हां दी जिहड़ी है जिहड़े बीटा पार्टिकल्स ने उन्हां दी आयोनाइजिंग पावर जिहड़ी है वह अल्फा पार्टिकल्स नालों घट हुंदी है, इस करके उन्हां दी पैनीट्रेशन पावर जिहड़ी है अल्फा पार्टिकल्स नालों ज़्यादा हुंदी है। ये फोटोग्राफिक प्लेट भी जिहड़ी ने वह उन्हों भी इफेक्ट करते हैं, तो बीटा पार्टिकल एयर दे विच कुछ मीटर्स तक जिहड़े ने ट्रैवल कर सकते हैं। नैक्सट है गामा रे, गामा रे एक तरह की हाई एनर्जी पैकेट आ, ईएम रेडिएशन आ, या कह सकते एक फोटोनस आ, जहाँ पर कोई चार्ज नहीं होंदा, ठीक है। जो भी कोई एक्साइट कोई भी जो न्यूक्लीयस एक्साइटेड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट पर आता तो वह एक गामा पार्टिकल जोड़ा एमिट करता है, ठीक है। ये न्यूक्लीयस की पीरियोडिक टेबल च कोई पोजिशन चेंज नहीं होंगी क्योंकि ना तो मास नंबर चेंज हों ना अटोमिक नंबर चेंज हों, सिर्फ जो एक न्यूक्लीयस ने एक्साइटेड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट पर आना है तो उन्हें एक पर्टिकुलर फ्रीकुएंसी का या पर्टिकुलर एनर्जी का एक गामा पार्टिकल जोड़ा है वह बाहर कढ देना है, ठीक है। स्टार फॉर एक्साइटेड स्टेट, अगर दो स्टार होंगे यदा मतलब यह है कि वह सैकेंड एक्साइटेड स्टेट पर आ, जे तीन स्टार होंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट पर, तो उन्हें जे मान लो कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट पर आना तो उन्होंने तीन गामा पार्टिकल्स एमिट करने पैणगे, ठीक है। और हर एक गामा पार्टिकल की एनर्जी अलग अलग होएगी क्योंकि हर एक एनर्जी शैल की एनर्जी अलग अलग होंगी, ठीक है। हम प्रॉपर्टीज़ देखो, इन्हां ते कोई चार्ज नहीं हुंदा, इहदा रैसट मास भी जीरो हुंदा क्योंकि इहदियां फोटोन दियां प्रॉपर्टीज़ आनगियां, ठीक है। इहदा रैसट मास भी जीरो, और ये लाइट की स्पीड नाल ट्रैवल करते हैं वैक्यूम च 3 × 10⁻⁸, इहनां ते कोई चार्ज नहीं हैगा, इस करके ये इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड इन्हां नूं इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। ये आयोनाइजेशन करते हैं पर बीटा पार्टिकल्स नालों घट, मतलब इन्हां दी पेनीट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हुंदी है। अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा हुंदी है तो गामा पार्टिकल्स की पेनीट्रेशन पावर ज़्यादा होंगी है, ये आर पार हो जाते हैं किसी चीज़ की, ठीक है। ये फोटोग्राफिक प्लेट में भी अफेक्ट करते हैं, फ्लोरोसेंस घट ही प्रोड्यूस करते हैं सबस्टांसिस के, ठीक है। गामा रेज में अगर आप न्यूक्लीयर रिएक्शन ट्रिगर करना है, मतलब वह रेट वधाना है न्यूक्लीयर रिएक्शन का, दैन वी कैन यूज़ गामा पार्टिकल्स, ठीक है। ए वाले जो गामा पार्टिकल्स ने इन्हें ईएम वेव दी हर एक प्रॉपर्टीज़ होंगी है, ठीक है। फ्रीकुएंसी जी गामा रेज की वह एक्स रेज नालों ज़्यादा होंगी है, अगर आप इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम पढ़िया होया फिफ्थ यूनिट के अकॉर्डिंग देखिए तो गामा रेज की जी फ्रीकुएंसी है वह एक्स रेज नालों ज़्यादा होंगी है।